दोस्तों अगर आप भी मेरी तरह गूगल एडसेंस से, चाहे वो यूट्यूब से हो, चाहे वेबसाइट में ब्लॉगिंग करके, या तो फिर एंड्रॉयड ऐप से, तो आप सभी को पता होगा कि गूगल एडसेंस से ही आपको पेमेंट मिलती है। तो अगर आप भी गूगल एडसेंस से पेमेंट पाते हैं तो आपके लिए ये एक बहुत बड़ा अपडेट है गूगल एडसेंस की तरफ से, जो अभी अभी किया गया है। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखते रहिए और उस बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है योगेश नायक और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल नायक टेक्नोलॉजी। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी 20 तारीख से लेकर अभी 26 तारीख के बीच में आपके जितने भी यानी कि एडसेंस अकाउंट्स के पब्लिशर्स हैं, आपके किसी के अगर एडसेंस अकाउंट है, तो आप जब भी वहां पर लॉगिन करेंगे तो आपको इस तरीके का एक नया टर्म्स एंड कंडीशन अपडेट्स देखने को मिलेगा, जहां पर आपको इसे एग्री एंड एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और ये नया अपडेट्स इसके टर्म्स एंड कंडीशंस के बारे में हुआ है। और यहां पर जो मेन बात है वही मैं आपको बताने वाला हूं कि अब गूगल एडसेंस क्या करने वाला है कि आपकी कभी भी किसी भी वक्त जो है आपकी एड्रेस वेरीफाई करेगा, आपकी पहचान वेरीफाई करेगा, और वहाँ पर आपको उसे वेरीफाई करवाना ही पड़ेगा तब जाके, नहीं तो आप फिर अपना एडसेंस अकाउंट ओपन ही नहीं कर पाएंगे, वहाँ पर खुलेगा ही नहीं। तो दोस्तों, हुआ क्या था दरअसल कि कैलिफोर्निया में एक कंपनी है फ्री रेंज कंटेंट नाम से, तो उसका कुछ पेमेंट्स था, तो गूगल एडसेंस ने क्या किया था कि उसको कुछ गलती होगी ये तो पता नहीं, लेकिन उसके अकाउंट को जो है डिसेबल कर दिया गया था। तो वहाँ पर उस कंपनी ने क्या किया कि उस गूगल एडसेंस के ऊपर केस कर दिया, तो उस केस में गूगल हार गया और गूगल को उसके बदले उस कंपनी को देने पड़ रहे हैं $11 मिलियन। $11 मिलियन यहाँ नहीं होता है दोस्तों, अगर इंडियन रुपीस में अगर कन्वर्ट किया जाए तो वो होता है 7.5 करोड़ के लगभग। तो इतना रुपये गूगल कंपनी को देना पड़ रहा है उस कंपनी को जिसकी एडसेंस अकाउंट उसने डिसेबल की थी। और दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा कि अगर मान लीजिए गूगल एडसेंस आपकी कभी अकाउंट को डिसेबल कर देती है, टर्मिनेट कर देती है, तो आप भी क्लेम कर सकते हैं गूगल एडसेंस के ऊपर, लेकिन आपकी जो मिनिमम बैलेंस होनी चाहिए वो $3 होनी चाहिए। तो अगर मान लीजिए आपकी $3 भी कमाई हो गई है तो आप उसके ऊपर क्लेम कर सकते हैं गूगल एडसेंस के ऊपर। तो दोस्तों, इसके चलते गूगल एडसेंस ने ये नया अपडेट लेकर आया है कि अब आप ऐसा नहीं कर सकते कि कहीं से आपने एडसेंस अकाउंट खरीद लिया है किसी से बनाया हुआ किसी दूसरे का, या तो फिर आप वो आदमी है ही नहीं जिसके नाम पे आप गूगल एडसेंस अकाउंट ऑपरेट कर रहे हैं, तो आपको री वेरीफाई करते रहना पड़ेगा बीच बीच में, गूगल एडसेंस जब भी आपसे वेरीफाई करने के लिए मांगेगा। तो दोस्तों, इसके लिए मैं बस यही चीज़ कहना चाहूँगा कि आपके गूगल एडसेंस अकाउंट में जो प्रोफाइल अपडेट है, वो प्रोफाइल में आप जैसे कि शुरुआत में जब आपके $10 हो जाते हैं तो एक पिन आता है आपके पोस्ट द्वारा आपके घर पे जो एड्रेस आप दिए रहते हैं तो वो वेरीफाई होता है, तो वो एड्रेस जो दिए हैं तो उसके आपके पास प्रॉपर एक डॉक्यूमेंट होनी चाहिए वेरीफाई करने के लिए। मान लीजिए आपके पास आधार कार्ड है, आधार कार्ड में वही एड्रेस हो, अगर मान लीजिए नहीं है तो उस एड्रेस को, अगर जो मोबाइल नंबर उस टाइम का था वो नहीं है, तो वो सारा चीज़ अभी चेंज करके अपडेट कर लीजिए ताकि आगे आपको दिक्कत ना आए। और मैं बताना चाहूँगा कि जो लोग अभी तक पहला पे ही पेमेंट नहीं उठाए हैं गूगल एडसेंस से, उनको ही अधिकतर ये दिक्कत आ रही है, उनको वेरीफाई अभी करना ही करना है। मैंने देखा मेरे अकाउंट में ऐसा कुछ अभी नहीं आ रहा है कि वेरीफाई करने के लिए, लेकिन कभी भी ऐसा हो सकता है। तो जो लोग अगर एक भी पेमेंट उठा चुके हैं तो उनके अकाउंट में तो इस तरीके का वेरीफाई करने का बटन नहीं मिल रहा है, लेकिन जो नए हैं, जो कभी पेमेंट नहीं उठाए हैं, तो उनके अकाउंट में वेरीफाई का ऑप्शन आ रहा है जहाँ से उनको वेरीफाई करना ही पड़ेगा। तो दोस्तों, आशा रखता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए।